डीएम की सुरक्षा में चूक, केंद्र व पंजाब सरकार में टकराव बढ़ने के आसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल को भाजपा घेरने में जुटी। पीलीभीत में भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर उठाया सवाल, कहा देश बिक रहा, इसे बर्बाद होते नहीं देख सकते। राहुल गांधी इस महीने के दूसरे सप्ताह में विदेश यात्रा से लौट सकते हैं वापस, 5 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव। लखनऊ में रात से हो रही हल्की बारिश ने बढ़ाई गलन, एक हफ्ते तक पूरे यूपी में बूंदाबांदी के संकेत। दिल्ली एनसीआर में आज से बारिश शुरू, उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चलने और बढ़ेगी ठंड। आज से नाइट कर्फ्यू, श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद, घर से निकलने से पहले जान लें नियम। जानबूझकर पीएम मोदी के काफिले में नहीं गए पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी, प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे सुरक्षाकर्मी सत्र। सुरक्षा में चूक या किसानों का आक्रोश, इसकी जांच हो, मोदी के पंजाब दौरे पर बोले राकेश टिकैत। यूपी चुनाव 2022 में जनसत्ता दल ने घोषित किए 11 प्रत्याशी, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कुंडा से ही लड़ेंगे चुनाव। जनहित याचिका पर सुनवाई आज, बिजली से हाथियों के मरने पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, केंद्र और 17 राज्य सरकारों को नोटिस। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।